हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे देश में सबसे बड़े या विश्व के सबसे बड़े समुद्र कौन कौन से। दोस्तों, इस मंडे से लेकर आने वाले फ्राइडे तक हम लगातार 5 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें कि दोस्तों हम 5ों सबसे बड़े महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि धरती पर 70% भाग जल से घिरा हुआ है, जो कि खारे पानी के समुद्रों से घिरा है। दुनिया के अंदर कुल दोस्तों 5 ऐसे समुद्र हैं जो कि सबसे बड़े और कई रहस्यमयी चीज़ों से छिपे हुए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम इन्हीं समुद्रों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे और इनके अंदर पाई जाने वाली विचित्र और डरावनी तथा भयानक दुनिया को जानेंगे। दोस्तों, अब अगर हम इन 5 सबसे बड़े महासागरों की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रशांत महासागर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है, इसके अंदर कौन कौन से खतरनाक जीव पाए जाते हैं तथा इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं, इसके अलावा दोस्तों इसकी कौन कौन सी देश की सीमा इसको टच करती है, इन सब के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को पृथक करता है। दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। दोस्तों, इस महासागर का निर्माण लाखों सालों पहले हुआ था। इसके बनने के ठोस सबूत तो नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि पेंगिया के टूटने के 250 मिलियन साल पहले प्रशांत महासागर बना था। इसके विकसित की विशेष तारीख तो नहीं है, क्योंकि महासागर का तल लगातार अपने आप को पुनर्चक्रित करता है। दोस्तों, इस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसका शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर है, जो कि घोड़े के खुर की आकृति का है और ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन बनाता है। दोस्तों, अगर हम इसके बनने की बात करें तो कई सालों पहले जब धरती का निर्माण हुआ था, उस टाइम तो दोस्तों धरती एक आग का गोला थी, और जब उस आग के गोले के तरह धरती चारों तरफ भभक रही थी और कई उल्का पिंड के गिरने से दोस्तों कई बड़े बड़े खड्डे बन गए थे, तब दोस्तों कई गैसों का निर्माण हुआ तथा वो गैसें ठोस परत के रूप में जमकर बारिश का निर्माण करने लगी। और दोस्तों, इस तरह कई सालों तक लगातार बारिश वो होती रही, जिसके कारण दोस्तों धीरे धीरे वह धरती ठंडी हुई तथा उसने फिर जब बिल्कुल ठंडी हो गई तब पानी वहाँ स्टोर रहने लगा तथा धीरे धीरे उसने समुद्र का रूप ले लिया। अब दोस्तों, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस समुद्र का क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील है। अर्थात दोस्तों, अटलांटिक महासागर जितना बड़ा है उसके दुगने से भी अधिक है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा है। दोस्तों, यह फिलीपीन तट से लेकर पनामा नहर तक 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जल डमरू मध्य से लेकर दक्षिणी अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है तथा दोस्तों यह 10,911 मीटर अर्थात 35,797 फीट गहरा है। इन सब क्षेत्रफल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कि कितना विशाल है। इसका सबसे गहरा भाग दोस्तों मरीना ट्रेंच है। इसकी गहराई 11,040 मीटर पाई गई है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि इस प्रशांत महासागर को कौन कौन से देश या कौन कौन से हिस्सा देश के पास है, तो दोस्तों वह है चीन, जिसका दक्षिणी हिस्सा मेनलैंड को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है और वहीं इस सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कनाडा, जापान, अमेरिका, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया की इसके अलावा तथा कुल 55 देशों की सीमाएं इस महासागर को टच करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों, हम हिंद अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। तो तब तक दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।